हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन डेली मिलते रहे। तो गाइस, आज मैं आपको लेके आई हूँ मोहाली के नियर बाय खरड़ के अंदर रंधावा रोड में। ये हमारा प्रोजेक्ट है और ये है अजीत इनक्लेव के नेम से। तो प्रॉपर ये देख सकते हैं, ये हमारे घर का फ्रंट एलिवेशन है जो काफी अच्छा और शानदार डिजाइन के साथ बनाया है। अगर हम इसके साइज की बात करें तो 110 गज का ये आपका 3 BHK का हाउस रहेगा। इस प्रोजेक्ट में आपको लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ये स्पेशली वीडियो उन्हीं दोस्तों के लिए बना रही हूँ जो खरड़ में प्रॉपर्टीज देख रहे हैं कम बजट में, जिनका बजट 45 से 55 के आसपास है, उन्हीं के लिए ये वीडियो है स्पेशली। तो गाइज, आप प्लीज ध्यान से देखें कि आपको इस घर के अंदर क्या क्या चीजों की फैसिलिटीज मिल रही है और किस तरह का फ्लोर प्लान रहेगा। ये जट्स में घर आपके लिए लेके आए हैं और तो आइए इस घर का लुक्स उठाते हैं। इसी के साथ ही अगर आप इससे को देखें तो यहाँ पे प्रॉपर आपको जो रोड दिख रही होगी आपकी 35 to 40 feet के आसपास ये रोड है। प्रॉपर गेटेड यहाँ पे जो है टाइल्स वगैरह ऑलरेडी लगी है। और इससे को देखिए तो यहाँ पे आपको गार्डन करने के लिए एरिया मिल रहा है, जहाँ पे आप अपने पौधे वगैरह इजिली लगा सकते हैं। और इससे को आते हैं पार्किंग के लिए स्पेस मिल रहा है। बाहर ही हमने यहाँ पे आपको हैंड वॉश वगैरह अगर आपने करना चाहते हैं तो वॉश मशीन का भी हमने यहाँ प्रोवाइड करवाया है। बाहर आपके लिए टैप के लिए प्रोविजन है अगर आपने गाड़ी वगैरह वॉश करनी हो, अपनी बाइक वगैरह वॉश करनी हो, ताकि आपको अंदर से बकेट लेके बाहर ना आना पड़े, आप इजिली यहाँ से कर सकते हैं। तो गाइस, इससे को देखिए तो यहाँ पे आपको एक वॉशरूम भी मिल रहा है। अगर आपके घर में कोई वर्कर वगैरह काम कर रहे हैं तो आप वो इजिली यहाँ पे अपना जो है हैंड वॉश वगैरह कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये था हमारा वॉशरूम जो हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया है। और इसी के साथ ही आप इस सिंक को आते हैं तो ये आ जाता है आपका मैश डोर। ये आपका मैश डोर रहेगा और ग्राउंड फ्लोर में हमारा 2 BHK है, फर्स्ट फ्लोर में हमने 1 BHK बनाया है। इसी के साथ ही जैसे ही आप इस सिंक को आते हैं तो ये आ जाता है जी आपका वुडन का डोर। तो यहाँ से आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो इससे को आते हैं क्या जाता है आपका एक बड़ा सा लिविंग एरिया। गाइस, बहुत ही स्पेशियस है, आप देख सकते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप इजीली अपना जो है सोफा टेबल आप इजीली प्लेस कर सकते हैं। यू शेप में लगाना चाहे वो भी आप लगा सकते हैं। वेंटिलेशन आप देखिए एक बार, प्रॉपर आपको यहाँ पे कॉर्नर विंडो मिल रही है जहाँ पे आप इजीली अपना गार्डन लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ को आपको प्रॉपर डाउन सीलिंग लाइट प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इसी के साथ ही आप यहाँ पे देखिए लिविंग एरिया में इतना सारा स्पेस है जहाँ पे आप सोफे के साथ अपना डाइनिंग एरिया प्लेस कर सकते हैं। तो याद आता है आपका 4-5 सीटर आप अपने फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाइनिंग टेबल जो है अरेंज कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारे सेट को आता है अपना किचन एरिया। किचन में आपको दिखाती हूँ, ये आपका प्रॉपर मॉड्यूलर रहेगा, ये देख सकते हैं ग्रीन एंड ग्रे हमने यहाँ पे लगाया। कलर कॉम्बिनेशन की बात करें काफी अच्छा वर्क करा है यहाँ पे। ड्रॉर्स रहेंगे जहाँ पे आप अपने यूटेंसिल्स वगैरह रख सकते हैं। इससे तो देखिए तो चिमनी के लिए स्पेस है और फ्रिज के लिए आपको यहाँ बीच में स्पेस मिल रहा है और ऊपर की तरफ को POP का वर्क रहेगा आपका, राइट। तो ये था हमारा किचन एरिया। अब मैं लेके चलती हूँ आपको बेडरूम की तरफ। हमारे ग्राउंड फ्लोर में जैसे मैंने आपको बताया 2 बेडरूम है, फर्स्ट बेडरूम सेकेंड बेडरूम। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो इसी के साथ ही या जाता है आपका बेडरूम। बेडरूम का साइज जो है 10x12 का है गाइस। यहाँ पे आप इजीली अपना बेड प्लेस कर सकते हैं और बेड के बिल्कुल ही फ्रंट में आपको यहाँ पे LCD पैनल मिल रहा है जहाँ पे आप अपना TV वगैरह लगाना चाहे वो भी लगा सकते हैं। ये रहेगी आपकी वेंटिलेशन के लिए विंडो, क्योंकि बेडरूम में वेंटिलेशन के लिए विंडो काफी इंपॉर्टेंट है ताकि प्रॉपर एयर सनलाइट आपके घर में आ सके। इससे को आते हैं या जाता है आपका ड्रेसिंग एरिया। यहाँ पे सुबह उठकर अपने को निहार सकते हैं और ये आ जाते हैं आपके कवर्ड सेक्शन। तो ये प्रॉपर आपके स्लाइडिंग डोर्स रहेंगे, फुल हाइट तक आपके कवर्स है। तो इसी के साथ ही हमने क्या करा है यहाँ पे आपको अटैच वॉशरूम दे रहे हैं।
तो यह जगह है इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम, ये देखें आप। और यहाँ पे प्रॉपर आपको टाइल का वर्क हो गया, ये बाथ फिटिंग और इससे कुछ शावर गीजर के लिए प्रोविजन। तो गाइस हमने क्या करा है, वॉशिंग एरिया से ही दूसरे बेडरूम के लिए भी अटैच डोर पे रखा है, ये देख सकते हैं। फर्स्ट बेडरूम वाले ये वाले डोर से एंटर कर सकते हैं और सेकंड बेडरूम वाले इस साइड से। मैं आपको इसी साइड से लेके चलता हूँ, आपको अंदाजा भी हो जाएगा। तो ये आ जाता है आपका वॉशिंग एरिया और ये आपका सेकंड बेडरूम से भी इस डोर की एंट्री है। तो आए फिर हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। तो जैसे ही हम यहाँ से आते हैं, क्या चलते हैं हमारा सेकंड बेडरूम, साइड रूम का सेम है एज इट इज। और जैसे यहाँ पे देखा अपने कवर्स वगैरह ड्रेसिंग एरिया सेम एज इट इज, इसी तरह से आपको दे रहे हैं। इससे कौन है तो याद आता है आपका शोरूम, आप इसको एज अ शोरूम भी यहाँ पे बना सकते हैं। ये देखिए प्रॉपर शेल्फ वगैरह यहाँ पे डाली, अगर आपने यहाँ पे कवर्स अगर लगवाने हैं बनाने हैं वो भी बन जाते हैं। तो गाइस ये था हमारा 2 BHK जो ग्राउंड फ्लोर में था, मैं लेके चलती हूँ आपको 1 BHK की तरफ जो कि हमारा फर्स्ट फ्लोर में है। और लोन फैसिलिटी जैसे मैंने आपको बताया अवेलेबल है, अगर आपको कोई भी डाउट है मन में तो आप उन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं या जाके आपकी स्टेयर्स जो जाती है फ्रेंड्स। एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ऑलरेडी फैमिली रह रही है और काफ़ी डेवलपमेंट सोसाइटी में हुई है। आपकी कोठी के बाहर ही आपको डेली कूड़े वाला, दूध वाला, सब्जी वाला सारे अवेलेबल होंगे, आपको कहीं दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या आपका बालकनी बार को देखें तो आपको काफ़ी इंडिपेंडेंट देखने को मिलेगी। प्रॉपर ये एरिया जो है डेवलप हो चुका है गाइस, ये नहीं है कि सुनसान सा इलाका है। और इससे से देखिए कॉर्नर विंडो रहेगी आपकी और यहाँ पे आ जाता है आपका डोर जो कि है आपका फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड डोर भी सेम। ये देखिए इसी के साथ हम एंटर करते हैं अपनी किचन की तरफ। ये बेसिकली हमने एज अ रेंटल इनकम से बना रखा है, अगर किसी को रेंट पे चढ़ाना है इसलिए इस घर का 12 से 13 हज़ार आपको किराया मिलेगा अगर सामान वगैरह सारा लगाते हैं। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा कपड़े सब्जी को बनाने हैं वो भी बन जाएंगे, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे ही आपको पता है हम थोड़े से चार्जेस इंक्रीज हो गए बाकी बन जाएगा। तो ये आ जाता है बेडरूम, यहाँ पे आप अपना बेड लगा सकते हैं, रेडीमेड अलमारी आती है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और इसी के साथ ही आ जाता है आपका अटैच वॉशरूम, ये आपका अटैच वॉशरूम रहेगा, ये देखिए आप। तो गाइस ये था हमारा 1 BHK का कॉन्सेप्ट। अब मैं लेके चल रही हूँ ओपन एरिया में, अगर आपको इन्फॉर्मेशन कभी भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवानी है तो आप अपनी करवा सकते। फिलहाल अभी हमने यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करी है क्योंकि कभी क्या कहते हैं किसी का बजट होता है कि कम, तो उन्हीं के लिए स्पेशली वीडियो है। ऊपर देखिए तो प्रॉपर हमने यहाँ पे शेड डाला है, तो यहाँ पे आप इजीली अपना इवनिंग में झूला लगाना चाहे झूले पे आप इजीली यहाँ पे बैठ सकते हैं और फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मॉर्निंग टी और आपका इवनिंग की जो टी है उसका आनंद ले सकते हैं। टेबल चेयर आप यहाँ पे इजीली प्लेस कर सकते हैं। गार्डनिंग करने को जिनको ज़्यादा अच्छी लगती है वो भी इजीली यहाँ पे इस एरिया को गार्डन बना सकते हैं। तो गाइज ये थी हमारी वीडियो 110 गज की, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। और जैसे मैंने बताया कि कम बजट का घर ये हमारे पास है और लोन फैसिलिटी आपको इसमें मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो इस घर के बारे में तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर मेंशन किया है, वहाँ पे आके आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।